नेक्स्ट टॉपिक का भी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको रिलेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भी। कैसे करोगे तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्लास, कई बार जगह यूज होगा ये पॉइंट। ये देखिए हमारे पास कोई चार्ज है अभी पॉजिटिव मान लेते हैं, ये क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस है अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर पॉइंट पे इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बराबर है, इस पे भी क्या है पोटेंशियल वैल्यू क्या है बराबर है, या सिंपल मान लो दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, उससे क्या ड्रा किया हम लोगों ने पोटेंशियल ड्रा किए हुए इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस भी। ये सरफेस फर्स्ट है, ये सरफेस कौन सा है सेकेंड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है एक चार्ज को पकड़ के लाना है इस सरफेस से जो भी है ये इस यहाँ तक लेके आना है, ये डिस्टेंस है बीच का स्मॉल डिस्टेंस डी आर भी। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं अभी वर्क निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया था उन लोगों ने, चार्ज को लेके आए थे इन्फिनिटी उस पॉइंट तक किसी के फील्ड के अंदर भी। हमको ई और वी में रिलेशन करना है अभी, तो ई भी लेके आना पड़ेगा और वी भी लेके आना पड़ेगा, यस आर नो? स्मॉल डिस्टेंस है तो वर्क भी क्या होगा स्मॉल होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा स्मॉल होगा भाई। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको लेके आना है एक इलेक्ट्रिक इसको ऐसे इस तरफ, तरीका कई है क्लास करने के, वो कौन तरीका ये है कि उन्होंने ई को मान रखा है किसी एंगल के ऊपर थीटा के ऊपर में और बाकी में ई को रिजोल्व किया हुआ कंपोनेंट की टर्म में, सिंपल करेंगे उससे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है डी आर वी। अब इस चार्ज को लेके आए हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई आपको? अगर आपको याद हो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या था W बाई क्यू तो था भाई, वर्क निकाल लेते हैं आंसर पूरा हो जाएगा मेरा भी, यस आर नो? तो लिख लीजिए, लिखो वी हैव टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वी हैव टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस ए एंड बी, वी हैव टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस ए एंड बी एंड वी कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वी कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैरी समझते हो लेके आना भी, वी कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, समझ में आया कि नहीं आया अभी? बी से ए तक लेके आना अभी, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे लेके आना चार्ज को भी, हो जाएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा अभी आपको। तो मान लेता हूँ डी डब्ल्यू क्या है भाई इज द स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितना भाई स्मॉल डी आर लिख दूँ, छोटी सी अपने करनी है डिस्प्लेसमेंट कितनी डी आर। तो फार्मूला क्या होता है वर्क का भी क्लास, कुछ याद है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, लिख सकता हूँ एफ डॉट डी आर, ये बात सही है कि नहीं है? अरे बता दो। अगर आपको याद हो फोर्स इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ याद है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना भाई मेरे को, क्योंकि रिलेशनशिप में करना है मेरे को। क्या इसको मैं ई यहाँ पे ई ले सकता हूँ? ई क्या होता है एफ बाई क्यू नोट, कुछ याद है? यस सर नो? एफ बाई क्यू नोट, और आपको पता है क्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है? हम लेके चल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी, कितने वैल्यू लेके चल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लिख सकता हूँ ई और एफ की वैल्यू बराबर है भाई, यहाँ पुट कर देता हूँ वन इक्वल टू एफ, सही है? आपको रिलेशन में क्या लेके आना है ई लेके आना है, ले आओगे तो कितना वैल्यू है डी डब्ल्यू का भाई
एफ की जगह पे क्या लिख दूँ, ई डॉट डी आर वी, यस आर नो, सही है कि नहीं है। अब ये बताइए मेरे को, इनके बीच में एंगल कितना है अभी आपको, क्योंकि जब इसको डॉट ओपन करोगे तो कोस आएगा, अभी कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज का है, ऐसे जा रहा है, ले कैसे आ रहे हो, ऐसे लेके आ रहे हो, कितना एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का भी। ई और डी आर में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का, तो कैसे लिखोगे डी डब्ल्यू को, ई डी आर कोस थीट, कोस कितना भाई, 180 डिग्री, 180 कितना होता है भाई, ये हो गया माइनस ई डी आर। यहाँ तक किसी का डाउट है भी कोई, वर्क स्मॉल है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा भी, यस आर नो, तो इसको ऐसे ले सकता हूँ, स्मॉल पोटेंशियल भी, फॉर स्मॉल पोटेंशियल, फॉर डी वी, डी वी कितना है अभी क्लास, कुछ याद है, डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट, फार्मूला बनेगा डब्ल्यू बाई क्यू, अरे पता है कि नहीं पता, और क्यू नोट का वैल्यू कितना हमको पता ही है, कितना है प्लस वन कॉलम पे, तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ से इसको, ये हो गया भी इतना भी, ये हो गया क्लस, नहीं हुआ, इसको लिख सकता हूँ डी वी बराबर है डी डब्ल्यू, ये वन हो गया भाई। अगर वन नहीं करना क्लास, वन नहीं करना मान लो आपको, तो क्या कर लो, इसको गुणा कर लो यहाँ पे, एफ की वैल्यू कितनी, क्यू नोटी लिख दो, क्यू नोटी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा क्यू नोटी, क्यू नोट ई डी आर कोस 180, यहाँ पुट करोगे क्यू नोट से, क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मैंने पहले कर दिया इसको कैंसिल, वन मान के, यस सर ना, कोई डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कैंसिल होना ही है ये। तो डी वी की वैल्यू कितनी आई भी, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर वी, माइनस ई डी आर, सही है कि नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, माइनस डी वी बाई डी आर वी, यह डी वी है, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वी, डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन करना था अभी उनको, ई का वैल्यू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, सही है कि नहीं है। इसको क्या बोलते हैं अभी, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नीचे टाइम लिखा हो, क्या बोलते हैं उसको, अभी लिखा था dx by dt, क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज वेलोसिटी, याद रखिए भी क्लास, जो वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी उसको रेट बोलते हैं। हमने आपको एक बोला था कि रेट और प्राइस में डिफरेंस क्या है, याद है कि नहीं है, आपका चिप्स का पैकेट लिखा होता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस इक्वल टू 10 रुपीज़, वो प्राइस है भाई, उसको आज लो जब कल लो कितना मिलना हो, 10 रुपये का मिलना आपको भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन टमाटर गोल्ड आलू का रेट होता है, प्राइस नहीं होता भाई, वो हर रोज़ बदलते रहते हैं उनका वैल्यूज भी, जो वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी वो क्या बोले जाएगा, उसको रेट बोलते हैं भाई। तो क्या लगते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी, जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट भी, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट बोलते हैं। यही हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यस और नो, नाम दिया गया ग्रेडियंट, नाम पूरा नाम क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है कि नहीं है। तो लिख सकते हो E इज इक्वल टू किसके भाई, वो लिख दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसके बराबर है E, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। मैंने दो वैल्यू बुलाई आपको, एक तो ये लिखी है जो वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, याद है कि नहीं है, सही है। और जो वैल्यू लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोला जाएगा अभी, क्या बोलेंगे इसको, ग्रेडियंट, याद रखोगे, क्या नाम है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है कि नहीं। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा लिखिए डेफिनेशन एक बार। जब भी आपको एनर्जी निकालनी पड़े तो क्या निकालते हैं हम लोग, वर्क निकाल लेते हैं, यही करते हैं। लिख लीजिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम 1 point टू अनदर पॉइंट, टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम 1 point टू अनदर पॉइंट। ठीक है, टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम 1 point टू अनदर पॉइंट। देखो पोटेंशियल में था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे थे हम लोग, डिफरेंस में भी यही था। कोई भी चार्ज लेके आना अभी आपको, किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जो वर्क किया जाएगा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यस सर नो। तो आपको निकालना कैसे है, करना कैसे टॉपिक को भी, किसको लेके आएंगे, कोई भी चार्ज को लेके आएंगे, जरूरी नहीं है इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी। ठीक है, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी लिखा था, क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू नॉट या क्यू, जो भी यूज कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात कर रहे थे, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, यस और नो। देखो सिंपल फॉर्म में अगर यहाँ से वर्क निकालना चाहते हैं हम लोग, तो डब्ल्यू किसके बराबर आएगा भाई, वी इंटू क्यू। सीधी सी बात यह है, अगर मैं पोटेंशियल को उस चार्ज से गुणा कर दूँ जिसको लेके आ रहे हो, क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। वर्क क्या होता है, एनर्जी तो होता है, नहीं समझ में आई बात आप लोगों को, उसी से आ रही है डेफिनेशन सारी जो हम पहले कर चुके हैं। अगर आप पोटेंशियल को चार्ज से गुणा कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एनर्जी का आंसर आ जाएगा भाई। समझ में आया कि नहीं आया, तो सीधी सी बात ये रहेगी, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और चार्ज तो पता ही है किसको लेके आ रहे हैं, 3 कॉलम है, 5 कॉलम है, कुछ भी हो सकता है चार्ज भी, एनी वैल्यूज भी, उससे गुणा कर दो आंसर निकल जाएगा आपका, यस और नो। समझ में आया, तो हम पहले टॉपिक करते हैं, देखिए टॉपिक ये, टॉपिक में थोड़ा सा एक पॉइंट पे आ गया, आपको लगेगा कि कुछ अलग हो रहा है अभी यहाँ पे टॉपिक में। ठीक है, तो हम पहले तो क्या करते हैं, मेरे पास 2 चार्ज हैं उसकी निकाल लेते हैं, फिर हम एन चार्ज के लिए आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इसी में इतना हो गया अभी, लिखो इसको एक बार। इसके बाद लिखिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point चार्ज, 2 point चार्जेज भी, मेरे पास सिर्फ 2 ही चार्ज हो तो कैसे निकालेंगे। पहला पॉइंट यही है इसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point चार्जेज भी, 2 चार्ज होंगे, मान लेते हैं एक चार्ज ये है भाई, ये चार्ज Q1 भी, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, कर लोगे, आपको निकालना है यहाँ पे भी, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है ए, तो आप क्या, आपको निकालना है ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी चाहिए ना, किसको लेके आए हो, किसी चार्ज को भाई, कहाँ से कहाँ तक है, अगर ए से ओ तक लेके आ गया मैं, या किसी और पॉइंट से किसी और पॉइंट तक लेके आ गया, तो क्या निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी उसके भी। ये पॉइंट हम मान लेते हैं Q2, हम लेके आ चुके हैं, किस चार्ज को लेके आ चुके हैं, Q2 चार्ज को भी, कितना डिस्टेंस इनके बीच का, R12 मान लूँ, R12, यस आर नो। तो पहले तो क्या तरीका अभी आपको एनर्जी निकालने का, कि आप क्या करोगे, पहले पोटेंशियल निकालोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक बार लिख लीजिए इसको, लिखिए वी हैव ए प्लस Q1 चार्ज, वी हैव ए प्लस Q1 चार्ज एट पॉइंट ओ, कहाँ पर रख दिया मैंने इस पॉइंट को, चार्ज को कहाँ पर रख दिया, ओ पॉइंट पे रख दिया, देन
देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, ए पे निकालना हो तो फार्मूला क्या था पोटेंशियल का, कुछ याद है? 1/4 pi epsilon naught Q1 इसका निकाल रहे हैं, R12 डिस्टेंस अभी इनके बीच का भी है भाई, सही लिखा मैंने? ये आ गया पोटेंशियल का वैल्यू भी मेरा, सिंपल है भाई। व्हाट इज द एनर्जी, किस चार्ज को लेके आ रहे हैं हम लोग? Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी कितना होगा अभी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, U लेते हैं इसको, पोटेंशियल V है, किस चार्ज को लेके आ रहे हैं? एनी चार्ज Q2। फॉर्मूला ये बनता है, तो कितना वैल्यू आएगा एनर्जी का? U इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 लिख सकता हूँ, क्या सही लिखा मैंने? इसका पोटेंशियल कितना है? V1 ये रहा, गुणा में क्या कर दो, चार्ज और कर दीजिए Q2 की वैल्यू को। अरे कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, पोटेंशियल को चार से गुणा करना, इसको आप लेके आ रहे हो। तो मेरा पहला काम क्या हो जाता है मेरा, क्या निकालना? पोटेंशियल निकालना मेन काम होता है, ठीक है भाई। देखो ये तो दो चार्ज के लिए था, बड़ा सिंपल टॉपिक था भाई, जरूरी थोड़ी है दो ही चार्ज हो, चार्ज पता नहीं कितने हो सकते हैं, तो कैसे निकालोगे उसके लिए भी? पहला पॉइंट समझ में आया भाई, 4 2-point charges के लिए क्या आंसर होगा भाई। सेकेंड पॉइंट डालिएगा इसका, 4 n charges भी, आपके पास n charges हैं अभी क्लास, हर एक का निकालते हैं, 1 का 2 का 3 का 4 का एंड सोन भी, समझ में आया अभी? तो पहला पॉइंट भी, इसका पहला पॉइंट, अगर आपके पास सिर्फ एक चार्ज हो भी, 4 1 charge, सिर्फ एक चार्ज है अभी, कौन सा चार्ज हो? Q1, ये भी हो सकता है भाई, सिर्फ एक ही चार्ज हो, अब निकालो। जब एक ही चार्ज है तो किसको लेके आओगे? लेने के लिए सेकंड चार्ज है नहीं मेरे पास भी, यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? 0। इसका V1 तो आ जाएगा अभी, कितना आएगा V1 का वैल्यू? 1/4 pi epsilon naught Q1/R1, जो भी वैल्यू बनेगी R1 की। एनर्जी कितना होगा अभी, इसको ले लूँ, वर्क डन, W1 इज इक्वल टू V1 इंटू चार्ज, चार्ज कितना है? सेकेंड तो है ही नहीं, यस और नो? तो पहली कंडीशन में अगर आपके पास सिर्फ सिंगल चार्ज है तो एनर्जी कितना होगा उसका? 0 होगा, समझ में आया बात में? यस और नो? सेकेंड लेने के लिए कोई वैल्यू है नहीं मेरे पास भी, तो W1 0, सिंगल चार्ज की वैल्यू कितनी? 0। सेकेंड पॉइंट इसका, 4 2 charge भी, दो चार्ज के लिए भी निकाला था हम लोगों ने, याद है कि नहीं? अभी टॉपिक किया था, कितना वैल्यू आया था अभी, इसको ले लेते हैं वर्क W2, अभी किया था कुछ देर पहले ही, 1/4 pi epsilon naught कितना था? Q1 Q2 by R12, ये दो के लिए था, समझ में आया कि नहीं आया? निकाल लिए से पहले 4 2-point charges के लिए भी, तीन हो तो भी, देखो ये बुक में डायग्राम नहीं दे रखे भाई इनके, तुम डायग्राम बनाएंगे अभी इसका, दोगे, एक का 0 हो गया, सेकंड का वैल्यू आया कुछ, तीन हो तो भाई 4 3 charges भी, थ्री चार्जेस कौन से हैं? दो तो पहले हैं, अरे एक को लेके आ रहे हो, ये हो सकता है? यस और नो? देखिए मेरे पास दो चार्ज हैं भाई, पहले से ही दो चार्ज हैं, कौन से चार्ज हैं? एक Q1 है, दूसरा कौन सा है? Q2। और यहाँ पे निकालना आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी भी, सही है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं भाई, इसको R13 मान लो भी, क्यों? यहाँ पे क्या लेके आएंगे? थर्ड चार्ज लेके आएंगे हम लोग, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना भाई? R23
यहाँ पर क्या रखना आपको, किसको लेके आओगे, थर्ड चार्ज को, Q3। इस पॉइंट को मैं O मान लूँ, यस सर नो, तो क्या तरीका रहेगा, पहले तो आप यह निकालिए कि पॉइंट O पे नेट पोटेंशियल कितना है ड्यू टू दिस चार्जेस Q1 एंड Q2, गुणा में क्या कर दो, थर्ड चार्ज को इसको लेके आ रहे हो इस पॉइंट के लिए, यस सर नो भाई, डायग्राम बनाओ ये वाला, तीन चार्ज हो तो कैसे निकालोगे, हो गया भी क्या, आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ, ओ पे निकालना, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल है ना दो चार्जेस के लिए ऐड होता अभी, चाहे प्लस का चाहे माइनस का हो, माइनस के लिए माइनस कर दोगे, प्लस के लिए क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लस यूज किए हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, अभी आपको नेट पोटेंशियल निकालना, V इज इक्वल टू यहाँ पे भी, इसकी वजह से कितना होगा क्लास, 1/4πε0 Q1 चार्ज है, डिस्टेंस कितना है r13, इसका ये हो गया प्लस, इसका कितना होगा अभी 1/4πε0 Q2/r23 यार सिंपल है, V इज इक्वल टू V1+V2 भाई, यस सर ना, इसका V1 ये हो गया, इसका भी क्या हो गया V2, ये हो गया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O, ओके अब क्या करना है आपको, थर्ड चार्ज को लेके आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क करना पड़ेगा, वही क्या है आपकी एनर्जी है, लव कर दें इस वाले को, तो एनर्जी कितना होगा अभी क्लास, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वर्क कर रहे हैं W3, क्या करोगे पोटेंशियल इनटू चार्ज किसको लेके आ रहे हैं Q3 को भी, सही है कि नहीं है, अरे बता दो, पुटिंग द वैल्यूज भी, V है गुणा में क्या कर दें Q3 और कर दूं, तो कितना आंसर होगा अभी W3 का भी 1/4πε0 Q1 Q3 यहाँ पे R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 R23, ये मैंने सही लिखा है, अरे बता दो भाई, हो गया तीन चार्ज के लिए चारों, तो भाई लिख लीजिए, ये भी करना पड़ेगा, एन तक तो आना पड़ेगा भाई, 4 किसके लिए कर रहे हैं, 4 चार्जेस भी, 4 चार्जेस, रब कर दे इसको, लिखिए अभी फोर्थ पॉइंट है, 4 चार्जेस, चार चार्ज है आपके पास, चार कैसे हो सकते हैं, 1 2 कैसे मेरे पढ़ा लो 3, ठीक है, ये मान लेते हैं Q1 है अभी, इट इज Q2, ये कौन सा है Q3, इस पे निकालना है पॉइंट पे, एनी पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं R14 भी, सो 4 तो लेके आएंगे, ये वाला डिस्टेंस R24, ये वाला R34, डायग्राम नहीं है बुक में, ठीक है, और इस पे क्या लेके आ रहे हैं, 4 चार्ज लेके आ रहे हैं, इट इज Q4, सही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले तो क्या करोगे आप लोग, इस पॉइंट को मान लेते हैं, ओ पॉइंट पे क्या निकालोगे, नेट पोटेंशियल निकालोगे, फिर चार से गुणा कर दोगे इसको, यही तरीका करने का, डायग्राम बना लिया भाई, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा भाई, नेट पोटेंशियल एट ओ, लिख दो V इज इक्वल टू, पहले की वजह से कौन सा होगा 1/4πε0 Q1/r14, क्या मैंने सही लिखा, सेकेंड की वजह से कौन सा होगा 1/4πε0
Q2 by R24 प्लस 1 by 4 pi epsilon naught Q3 by R34। मैंने सही लिखा भाई, अरे क्या निकाल लिया, V1 plus V2 plus V3। कर लोगे एनर्जी कितना होगा, सिंपल है भाई, W4 ले लूँ उसको, V into Q4 लिख दूँ, किसको लेके आ रहे हैं, 4 चार्ज को लेके आ रहे हैं, सही है कि नहीं, तो कितना होगा भाई, पूरा लिख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू भी, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q4 divided by R14 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q4 by R14 24 R24 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q3 Q4 by R34। यस और नो, ये प्रोसीजर आपको करना है एन चार तक भी, कर पाओगे? नेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कितना वर्क किया पूरा भी एन चार्ज के लिए, पहले 1 का निकालना पड़ेगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 100 का, एंड सो ऑन। इतना हो गया भी क्लास, आपको निकालना है टोटल वर्क डन कितना होगा भी। लिखो टोटल वर्क डन भी, W इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus ऑन भी, यही है एन तक जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1 भी, कितना था, 0 था, W1 था 0 था, W2 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 यही था भाई। W3 क्या था, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q3 by R23। ये था W3 भाई, यस और नो। W4 क्या था, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q4 by R14 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q4 by R24 plus, ये चेक दिया पे, 1 by 4 pi epsilon naught Q3 Q4 by R34 एंड सो ऑन। यही थी वैल्यू सारी, यस और नो, जोड़ना भाई क्लास इनको सभी को, क्या कौन सा तरीका से जोड़ें बताइएगा, इंटीग्रेशन से जोड़ें कि समेशन से जोड़ेंगे, चॉइस तुम्हारा है, बताओ। मैं समेशन से, इंटीग्रेशन से क्यों नहीं जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन से क्यों नहीं जोड़ रहे भाई, इंटीग्रेशन फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस के लिए होता है, और स्पेशल होता है दोनों के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए भी और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए भी। अब प्रॉब्लम क्या, देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है, फिर 2 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया, वैल्यू अलग अलग हो रही है हर बार, यस और नो, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है भाई, ये कौन से डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कच्चा कौन सा रहता है, स्पेशल जोड़ लेते हैं। तरीका क्या जोड़ने का, स्पेशल बनाएंगे, जो चेंज नहीं हो रहा उसको ऐसे लिख दीजिए, सभी में ही चेंज नहीं हो रहा भाई, 1 by 4 pi epsilon naught, यस सर नो, Q1 चेंज हो रहा है क्लास, बदल देखो बदल रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी 3 आगे जाएगा, बड़ी वैल्यू भी आएंगी, यस सर नो, एन तक जा रहा है ना, क्यों बदल रहा है भाई, इसी तरह से Q2 बदल रहा है, Q2 यहाँ पर क्या आती है, Q3 फिर Q4 फिर Q5 भी आएगा एंड सो ऑन, यस सर नो। एक खासियत ये हो रही है, अगर ये 1 2 तो नीचे भी 1 2 भी है, यहाँ पे 1 3 तो नीचे भी क्या है, 1 3, इसके अकॉर्डिंग नीचे वाला चेंज हो रहा है अभी, यस सर नो, तो इसको ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, कैसे लिखेंगे, QJ दोनों बदल रहे हैं भाई,
यस और नो? और नीचे वाला इसके अकॉर्डिंग बदल रहा है आई जे, ये बात सही है कि नहीं है? प्रॉब्लम क्या है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है वन से लेके अंत तक, जे की वैल्यू चेंज हो रही है वन से लेके अंत तक, लेकिन कहीं पे भी आई और जे बराबर नहीं है। अभी चेक कर लो, क्या कहीं पे आया हुआ Q1 Q1? कभी नहीं आएगा। Q2 Q2 आया कहीं पे? बिल्कुल नहीं आएगा। यस और नो? भी आई चेंज हो रहा है वन से एन तक, वैसे आई चेंज हो रहा है, टू से चेंज हो रहा है आई, यस जीरो हो गया वन पे तो, लेकिन हम किसे मानते हैं इसको, वन से ही मानेंगे। आई चेंज हो रहा है वन से लेके एन तक, जे वन से लेके एन तक, लेकिन कहीं पे भी आई और जे बराबर नहीं है अभी। यस और नो? भी अब ये बुक वाला देखो, बुक ये अपने आंसर लिख तो दिया भाई, क्या आंसर सही है हमारा? भी बुक वाला एक ट्रिक बनाएगा यहाँ पे, उसको उसका आंसर नहीं दे रहा बुक वाला भी। इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर देगा भाई, या 2 से डिवाइड कर देगा इक्वेशन को। क्यों किया आप समझ लीजिए थोड़ा सा इस चीज़ को। ये आंसर हो गया भी आपका भी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास आई का वैल्यू 2 है भी, और जे का वैल्यू कितना है 3 है। यस और नो? एक केस ये बना दिया, एक केस ये है कि आई का वैल्यू 3 हो सकता है और जे का वैल्यू 2 हो सकता है। क्या हो सकता है ये वैल्यूज भी? कुछ वैल्यू हो सकती है। यस और नो? अगर इसकी टर्म देखे जाए, इसकी टर्म देखे हैं, क्या आंसर बनेगा भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 1/4 πε0 Q2 Q3 / r23। सही है कि नहीं है? इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हैं क्या आएगा? क्या बोल रहे हो? आई क्या है? अरे ये डिस्टेंस है 2 और 3 की 3 और 2 की, बोल तो भी एक ही बात है। दो डिस्टेंस है भाई क्लास, दो पॉइंटों के बीच की, 2 और 3 की है। इसका 3 2 बोल दो या 2 3 बोलो, एक ही बात रहेगी, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, ठीक है। वैसे क्या रखोगे, आई क्या है? 2 है। हर जे कितना है? 3 है। समझ में आई बात भी? सेकंड वाली केस की 1/4 πε0 आई कितना है? 3 है। जे कितना है? 2 है। नीचे 3 2 ले दूँ, ये 3 है, ये 2 है। यस और नो? ये समझ कि आपको सेम वैल्यू है भाई? कैसे वैल्यू नहीं लग रही आपको? देखो इसको 2 3 और 3 2 को गुणा करो, क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? एक ही वैल्यू आएंगे। Q3 Q2 को गुणा करो, Q2 Q3 गुणा करो, एक ही बात है भाई। यस और नो? डिस्टेंस आप 1 3 की माप रहे हो, सॉरी 2 3 की माप रहे हो, 3 2 की माप रहे हो, एक ही बात तो है। दोनों वैल्यू क्या हैं? सेम है भाई। यानी इस फार्मूले से हर वैल्यू 2 बार आ रही है। क्या आपका 1 2 आएगा? 1 2 आएगा। क्या आपका 2 1 भी आएगा? पक्का आएगा भाई, जो वैल्यू बदल रही है ना। देखो आई की वैल्यू 1 हो सकती है, जे की वैल्यू 2 हो सकती है भाई। क्या जे की वैल्यू 1 हो सकती है, आई की वैल्यू 2 हो सकती है, क्या दिक्कत है? तभी आंसर सेम आएगा। यानी जो फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया यहाँ से, इसमें हर वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है। क्या हमारे इक्वेशन में हो रही है कोई वैल्यू 2 बार रिपीट भी? इस इक्वेशन में क्या हो रही है, कोई दो वैल्यू 2 बार आ रही है? नहीं आ रही। यानी जो ये फार्मूला बना रखा हम लोगों ने, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हर वैल्यू 2 बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। हमको तो एक ही बार चाहिए। तो क्या किया इस फार्मूले के लिए उन्होंने, इस पूरे फार्मूले को 2 से डिवाइड कर दिया, तो सिंगल वैल्यू आएंगी सारी। समझ में आया बात है? बुक वाला डायरेक्ट करेगा इस फार्मूले को 1/2 से डिवाइड कर दे, ऐसा कर देगा 1/2। ये 1/2 क्यों हुआ, समझ में आया भाई? दोबारा देखो एक बार, जो ये आई जे की वैल्यू है ना, कुछ भी हो सकती है क्लास, 1 से लेके अंदर चेंज हो रही है, कुछ भी टर्म आ सकती है बीच में भी। मान लेते हैं आई टू है, जे 3 है भी, इसका वैल्यू ही आएगा, पुट करके देख लो, कर लोगे? आई 3 है, जे 2 है, इसका वैल्यू ही आएगा। दोनों वैल्यू बराबर है क्लास, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर दो सेम वैल्यू आ रही है। यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हर वैल्यू 2 बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ऐसा तो हो नहीं रहा हमारे फार्मूले में, कोई वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं हो रही है। यानी इस फार्मूले में कुछ कमियाँ हैं अभी। कमी क्या है इस फार्मूले में, कि हर वैल्यू 2 बार आ रही है, 2 काटने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देना पड़ेगा अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फार्मूला क्या है लिख लीजिए, इसके बाद लिखो,
लेको दिस फार्मूला गिव, दिस फार्मूला गिव टू वैल्यू, दिस फार्मूला गिव टू वैल्यू ऑफ एवरी टर्म्स भी, टू वैल्यू ऑफ एवरी टर्म्स, हर एक टर्म की दो वैल्यू देगा भाई, जो कि सही नहीं है, हमारा तो एक सिंगल वैल्यू आई है। तो नेट फार्मूला क्या बनने वाला है वैसे, W इज इक्वल टू 1/2, इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे और समेशन को इंडिविजुअल लिख देता हूँ। देखो कैसे, मैं तो दो समेशन भी, दो बार चेंज हो रही चीज़ें भी, एक हो रहा है I फ्रॉम 1 to n, दूसरा हो रहा है J फ्रॉम 1 to n, और I और J बराबर कभी नहीं है, ये बात सही है, एक ही बात है जो लिख रखी मैंने यहाँ पे दो, यहाँ इसका मतलब क्या, देर आर टू वेरिएबल्स, क्या वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, दो, तो कितना वैल्यू आएगा 1/4πε0 क्यू आई क्यू जे बाई आर आई जे, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्जेस।